हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मम्मी डैडी की जो एनिवर्सरी थी उसके लिए हम मम्मी डैडी के लिए गिफ्ट लेके आएंगे और हम लोग मम्मी डैडी को गिफ्ट देने वाले हैं और वो गिफ्ट होगा सबसे बड़ा, मतलब सब इनके लिए सरप्राइज होगा। गुड़िया और रवि ने तो दे दिया था कल ही और हम लोग, मैंने और प्रियंका ने आज देना है। तो हम लोग आपको दिखाने वाले हैं हम लोग क्या लेके आने वाले हैं। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में, बाय बाय। ये भाभी जी मम्मी के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, कल एनिवर्सरी का गिफ्ट है ये। ये गिफ्ट नहीं, ये प्यार है। हाँ तो अभी ओपन करके बताएंगी मम्मी क्या गिफ्ट है। जल्दी से खुल जाए ऐसी पैकिंग। वाओ सो नाइस, वास्तव में दिल के अंदर लेकर आए। ये देखो भाभी जी लेकर आए हैं, ये दिल से लेके आए हैं और इसमें हार्ट भी है। हाँ बहुत सुंदर गिफ्ट है, दिल से लेके आए हैं, बहुत ज्यादा सुंदर है, प्रिटी है बहुत। इसको मैं संभाल के रखूंगी, अपने दिल से लगा के रखूंगी। गाइस भाभी जी मम्मी के लिए गिफ्ट लेके आए हैं, बट मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगा ये। कितना प्यारा गिफ्ट है ना, मेरे काम आ जाएगा। मैं अभी जाऊंगी स्कूटी लेने के लिए क्योंकि अभी उन्होंने रेडी कर दी होगी, मैंने फोन करके पूछा था। और जब मैं प्रियंका को लेने के लिए जाऊंगी तो स्कूटी साथ में ही लेके आऊंगी। और अभी वो लोग रेडी कर रहे, मैं अभी जाके आई थी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने बोला आप थोड़ी लेट आ जाना, तो अभी हम जाएंगे स्कूटी लेने के लिए। तो मैं आती हुई पूजा वगैरह सब कुछ करवा के हम लोग लेके आएंगे, तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में, बाय बाय। अरे शर्ट चेंज किया वाइट कलर की, तो हम लोग जा रहे हैं स्कूटी लेने के लिए। टाइम हो गया 6:30, तो अभी निकलेंगे गाइस, फिर जाके देखेंगे ब्लैक अच्छा है कि ग्रे अच्छा है, तो हम उसके बाद डिसाइड करेंगे वहाँ से। अभी स्कूटी चक के लेके आएंगे, तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में, बाय बाय। वो शोरूम में ये रही ग्रे कलर की, इसमें ग्रे भी है और मैंने ये वाली स्कूटी पसंद की है, मॉडल अच्छा है, फर्स्ट अभी आया ये मॉडल। गाइस मैंने उसका ब्लैक कलर लिया है और ग्रे कलर बिक गया। ग्रे कलर मैंने चॉइस में रखा था बट किसी और ने ले लिया, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं ब्लैक ले लेते, तो हम लोग ले रहे हैं ब्लैक। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में, अभी तैयार हो रही है स्कूटी। तो इतनी देर हम घूम के आ रहे हैं और ये रवि आया, देखो कितना परेशान हो रहे हैं। तो मैंने ब्लैक कलर लिया, तो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, बाय बाय। मैं लेके आ गई हूँ नई स्कूटी सालासर मंदिर में, ये देखिए ये पीछे का, ये वाली ब्लैक ये रही स्कूटी एंड कलर। और मैं सालासर मंदिर लेके आई हूँ, प्रियंका यहाँ खड़ी है। सालासर मंदिर में प्रोग्राम की भी तैयारियाँ चल रही है, ये रहा सालासर मंदिर। इसलिए अभी मैं सालासर लेके आई बट स्कूटी में, तो हम लोग पूजा कराएंगे पढ़ने से। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। सालासर मंदिर ये देखो कितना अच्छा, यहाँ मैं अपनी गाड़ी की पूजा करवाने के लिए लेके आई हूँ। पंडित जी आ रहे हैं और मंदिर से और वो करेंगे स्कूटी की पूजा, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये पंडित जी आ गए, दक्षिणा दे दिया हमने, पंडित जी ने पूजा कर दी है। ये देखिए न्यू गाड़ी में ले आई, तो चले आप वो घर पे। लोगों ने पूजा करा ली है, तो हम लोगों ने पूजा करा लिया, हम लोग जा रहे हैं घर पे। ये हमारी स्कूटी है और पूजा अच्छे से करवाई है, तो मिलते गए थोड़ी देर। हम लोग जा रहे हैं अभी घर पे गाड़ी लेके, और गाड़ी हम लोगों ने ले ली है न्यू,
तो गाड़ी सच में बहुत अच्छी है ये वाली, और क्योंकि तीन बंदे आराम से बैठ पा रहे, सीट भी बड़ी है इसकी, और इसको भी हॉस्पिटल से उठा लिया। इस गाड़ी का ये फायदा हुआ कि इस पे तीन बंदे आराम से बैठ सकते, वो मोटे मोटे है ना, और ये ऊंची है, मेरे पैर तो आ ही नहीं रहे, बहुत मतलब दिक्कत होती है। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में, बाय बाय। घर आ गए और मैं लेके जा रही हूँ इनको सरप्राइज देने के लिए, और ये आ गए, ये देखो। तो ये देखो मैं लेके आई स्कूटी, और यार आपा कवर तो भूल ही गए ना, कवर भूल गए, तो हम लोगों ने इससे इसको कवर किया, मतलब ढक दिया है। और अब पापा को मैं बुलाने वाली हूँ, और पापा और मम्मी को ले आई हूँ, और दिखाने वाले हैं इनका सरप्राइज। सरप्राइज है, सरप्राइज कैसा सरप्राइज है इनको पता ही नहीं, हम क्या लेके आए। मैं मम्मी पापा के लिए नहीं, उसको भी लेके आई ये सरप्राइज आज रात को। ये वाली मेरी न्यू स्कूटी है जो मैं अभी पूजा करवा के लेके आई हूँ। ये देख, यकीन नहीं हो रहा मेरे को। अच्छा। सही में देखो, यकीन को नहीं हो रहा, बच्चा इतना कुछ कर सकता तो क्या जरूरी थी, वो थी ना स्कूटी, दो दो चाहिए ना, दो दो थी। तो ये मेरी न्यू स्कूटी है, ये उससे हैवी ही, इस पर तीन बंदे बैठ सकते हैं, इस पर तीन बैठ सकते हैं, जो हमारी पुरानी है उस पर दो बंदे। इसमें तीन बंदे बैठ सकते हैं, और इसमें फंक्शन सेम है वैसे तो, इसमें सिर्फ अलग है, आगे से एकदम अलग है, इसके शीशे एकदम मस्त वाले हैं, एंड इसमें फीचर वही है सेम से। और ये देखो, इसमें फ़र्क ये है कि अगर ये स्टैंड लगा होगा तो ये चलेगी नहीं स्कूटी, और इसमें फंक्शन है, दो दो चाहिए ना, अभी आप दो बंदे बैठ के जाते हैं, तीसरा रह जाता है, इसलिए मस्त लगी। तो ये नहीं स्कूटी में पापा और मम्मी के लिए लेके आए, पसंद आई। तो आप तीन बंदे बैठ सकते हैं, यहाँ पे आप, यहाँ पे मैं, यहाँ पे मम्मी, और वो देखो तैयार होगा कैसे करी मैडम, दोनों के दोनों ला। आज मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं मेरी स्कूटी कैसी लगी, और ये देखो यहीं से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, आगे दीवार को तोड़ते लेके आए थे एक स्कूटी, और आपने एक और ले ली हमारी, इसमें तीन बैठ सकते ना, दो रह जाते घर पे, इस करके अपने एक और लिया। अच्छा हाँ, चलो ये हमारे इस, इसको मैं चलाऊंगी, चल इधर। तो गाइस हमारी ये मतलब मम्मी को सरप्राइज अच्छा लगा, एंड ठीक है, कोई नहीं, चाहिए नहीं, चाहिए ना, बाबा अच्छी लगी, तुम लोगों ने बताया भी नहीं इतना बड़ा सरप्राइज, गिफ्ट बताने का नहीं होता। ये सेंसर बज गया इसका, और मैं दोनों ही ले रहा इसको, वो वाली कौन चलाएगा, तो हमारा ये सरप्राइज मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगा है। और हमारी ये वाली स्कूटी आप लोगों को कैसी लगी, ये भी बैटरी वाली स्कूटी यानी चार्जिंग वाली, तो हमारी ये वाली स्कूटी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।